ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैक्यनाथं। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। मेरे प्रिय भाइयों बहनों एवं साधकजनों और गुरुजनों, आप सबों को योगेश्वर कन्हा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है और आप सबों को मैं अपनी ओर से प्रणाम करता हूं कि आप सबों के हृदय में वही रहते हैं जो समस्त विश्व की रचना करते हैं। वे परमात्मा सभी जगह व्याप्त हैं। ऐसे परमात्मा को जानना ही और उनके द्वारा दिए गए उस परम ऐश्वर्य और आनंद स्वरूप जो दिव्य जीवन है उसको प्राप्त करना ही मानव का सबसे पहला धर्म है। इसीलिए हमें उन्होंने सभी जोनियों से सभी प्राणियों से उत्कृष्टता प्रदान की है। तो आइए आज मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से आप लोगों को हमारे वैदिक शास्त्रों और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो 16 संस्कार की चर्चा की गई है उनमें सबसे पहला स्थान है कि इस पृथ्वी पर जीवधारियों के उत्पन्न होने का जो भगवान के द्वारा रचित जो कार्यक्रम है वह कैसे होता है, जीव कैसे उत्पन्न होते हैं, प्रजा की उत्पत्ति कैसे होती है, तो इस बात की चर्चा मैंने इससे पूर्व प्रश्नोपनिषद में कबंधी के प्रश्न का उत्तर देते हुए पिपलाद ऋषि ने जो कहा वह मैं कह चुका हूं। फिर भी यहां जो है वह उसी आधार पर मैं पुनः कहने जा रहा हूं कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हो गई और सभी प्राणियों का भगवान ने सृजन किया तो सबसे लास्ट में अंत में मनुष्य की रचना की है। तो मनुष्य के रूप में वो अपने सभी गुणों को उसमें निहित किए और सब कुछ दे दिए। कुछ चीजें ऐसी है जो भगवान देने में असमर्थ हैं। क्यों सब असमर्थ हैं? उनके पास तो सामर्थ्यवान है भाई, फिर असमर्थ क्यों है?
देखिए, एक समग्र जो है उसमें जो खंडित खंडित कल्पना की जाती है, तो उस एक समग्र को लाखों करोड़ों में आप अपने कल्पना से उसे बांटते हैं, अरब खरब अनंत कर देते हैं, लेकिन सभी को समेटकर एक में ही समा जाता है। ऐसी ही बात है कि जीव में वह समग्रता नहीं दे सकते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया है, आप पाएंगे रामचरितमानस में, जीव को हो ही इस समाना, जीव कभी परमेश्वर के बराबर में नहीं हो सकता है। हाँ, ओम पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, ऐसे गुण वाले वो ब्रह्म है, वो जीव में नहीं हो सकता है। इसीलिए जब सृष्टि की रचना हुई तो भगवान की महिमा को जानने वाले ये पशु पक्षी नहीं रहे, तो कुछ स्पेशल विशिष्ट गुण उसमें दिए कि वह उन्हें जाने। क्यों जाने? निकाम है, कोई कामना नहीं, फिर ऐसी इच्छा कैसी है? देखिए, लीला के लिए उनको करना पड़ा। जैसे आप सोते हैं, अवचेतन मन में आप स्वप्न देखते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। अभी जब हम जागृत अवस्था में हैं, तो वो अवचेतन मन नहीं है, सचेतन है हम। तो इस सचेतन में जो चरित्र उन्हें करना है, उसमें सत्यता की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। नींद में ऐसी बात नहीं है, हमारे मन भाव जो हम सोचते हैं दिन में, उससे मिलता जुलता अवचेतन मन में एक कल्पना होती है, उस कल्पना के अनुसार हम अनुभव करते हैं। लेकिन इस सृष्टि में जो आप देख रहे हैं, ये ट्रांसफरेबल स्टेट है, यह परिवर्तनशील एक स्थिति है, लेकिन बिल्कुल फॉल्स नहीं है, बिल्कुल झूठा भी नहीं है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े शास्त्र के ज्ञाता कहते हैं ये सब बिल्कुल झूठा है। नहीं, झूठा है, झूठा है, लेकिन टाइम से बंधा हुआ झूठा है, हर समय झूठा नहीं। अगर ऐसी बात होती तो हम लोग सत्य की उपासना क्यों करते, हम सत्य को क्यों अपनाते, सत्य में हम जीना क्यों चाहते हैं? इसलिए कि सत्य सत्य है, वह झूठा नहीं है। वह सत्य है परमात्मा, और हम उनके अंश है, इसलिए हमें वो उनका अंश है। जो भी हो, बहुत थोड़ा ही हो, लेकिन है। तो आइए, हम आज चर्चा करने जा रहे हैं कि आज के इस युग में एक सैलाब आ गया, कौन सी का सैलाब आ गया, बांध टूटने के बाद जो सैलाब आते हैं, उसी तरह अभी नियम कानून व्यवस्था, कैसे जीना चाहिए, कैसा कैसे रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका कुछ भी आचार विचार है ही नहीं। अब जो मन माया करो, तो इससे क्या होता है कि
समाज की स्थिति जो है, तो ऐसे लोग तो कहते हैं कि हम अपग्रेड हो रहे हैं, लेकिन ऐसी बात है नहीं। भौतिक सुख साधन बढ़ रहे हैं, लेकिन मानसिक स्थिति जो उनकी है वो अच्छी नहीं है, हम जानते हैं। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूं और उनकी बात मैं सुनता हूं और उन्हें देखता हूं कि उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं रहती है, और वो भले ही जो कुछ कर दे लेकिन उनके चेहरे को देखकर मुझे पता चल जाता है कि ये दुखी है, जबकि वो हवाई जहाज चलते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, सब कुछ सुविधा है, लेकिन परेशानी उन्हें बहुत है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उन्हें जानकारी नहीं मिल रही है कि हम जो कार्य करते हैं वह कौन कार्य किस समय में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो स्त्री के साथ समागम करके सही समय पर सही प्रोसीड्योर से सही तरीके से नियम के अनुसार अगर आप करेंगे, आप सृष्टि एक जो करने जा रहे हैं वह बहुत बढ़िया होगा, अच्छे बच्चे होंगे। यही पुंसवन संस्कार जो है ना, सो हमारे वैदिक और धर्मशास्त्र में जो है सो बिल्कुल साइंटिफिक है, वो फिलॉसफी नहीं है, काल्पनिक नहीं है, साइंस पर आधारित है साहब। हाँ, अब देखिए हमारे यहां कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष नक्षत्र हैं, भारतीय तिथि तो ऑल ओवर वर्ल्ड में है, 7 दिन तो सब जगह है, 24 घंटे का दिन तो सब जगह है, सूर्य और चंद्रमा सब जगह है, लेकिन मुहूर्त का विचार किस मुहूर्त में किस समय किस दिन हम सृष्टि करने जाएं, यानी स्त्री के साथ समागम करेंगे, यह विचार समाप्त हो रहा है। इसीलिए भाइयों बहनों, आप अगर चाहते हो कि हम भविष्य में प्रसन्न रहें, हम अपने संतानों से संतुष्ट रहें, हमारी बातों को हमारे संतान जो होंगे वो सुने, अच्छे बने, अच्छे संस्कार उन्हें दें, उसके लिए सबसे फंडामेंटल आधारशिला तो आप ही रखते हैं। उसका जन्म देने वाला कौन है? आप उनका जन्म देने वाले हैं। इसीलिए ये मुहूर्त जो है उसको जानिए, आपको मिल जाएंगे, आपको ज्योतिषाचार्य बता देंगे। यहां समय के अभाव में मैं नहीं ज्यादा कर सकता हूं। कुछ नक्षत्र हैं, रोहिणी, हस्त, स्वाति, मृगशिरा, ऐसे नक्षत्र हो और कृष्ण पक्ष के पंचमी तक ही, और शुक्ल पक्ष में कुछ बार है, कुछ तिथि है जिसमें कि निषेध है, मंगलवार, रविवार, ऐसे कुछ तिथियां हैं जिसमें निषेध है, टाइम भी है कि दिन में कभी नहीं होना चाहिए, रात्रि में होना चाहिए वो भी दूसरे पहर के बाद, फिर चौथे पहर में नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में भी नहीं। तो ये सब कुछ सावधानियां हैं, उनको रखते हुए आप अगर अपने जीवन में सुख शांति पाना चाहते हैं तो नए अवतार के लिए आपको ये करना जरूरी है। क्यों? देखिए भगवान स्वयं नारायण पारब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण बताए हैं, आप जाइए गीता के
14वें अध्याय के चौथे श्लोक में आप पाएंगे, भगवान कह दिए सर्व योनेषु कौन्ते मूर्तयः संभवन्ति याः। सर्व योनेषु कौन्ते मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महत् योनि अहम् बीज प्रदह पिता। कि संसार में जितने भी आपको दृष्टिगोचर हो रहे हैं प्राणी समूह जीव जंतु, ये सब जो हैं मूर्तियां ऑब्जेक्ट, मूर्ति का मतलब क्या होता है, जो देखने में आए छूने में आए, हमारे जो मस्तिष्क में बुद्धि है उस बुद्धि के द्वारा हम उस ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उसको हम उस ऑब्जेक्ट को देखें, ऐसे ऑब्जेक्ट जो लिविंग बींग्स हैं उनको सभी उन सबों को भगवान ने एक ही साथ मिलाकर कहा मूर्तियः। अंडरस्टैंड। अब आइए सर्व योनेषु, सिर्फ मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी जीव जंतु सब में नर मादा होते हैं, यहां तक कि प्लांट तो है, देयर आर सो मेनी प्लांट्स हैविंग मेल एंड फीमेल ऑर्गेन्स। अंडरस्टैंड। जैसे मेज है, मकई है, उसमें एक ही पेड़ पर पुरुष ऊपर रहता है धनबाल में, और इसका जो जड़ है उसमें स्त्री के गुण वाले हैं, वहां ऊपर से पराग गिरता है और यह रिसीव करता है, और इस तरह से जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब बीज बनते हैं। अगर पराग सूख जाएंगे तो उसमें बीज पैदा नहीं होंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये सभी में होते हैं। हाँ, अब बाद में कुछ ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट, जैसे कि दूध, उसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बस वो उसको काटिए उनको रोपिए वो बढ़ते जाएंगे। अब बाद में वो प्रिमिटिव है, सबसे पहले सिस्टम में वही हुआ था, लेकिन देखें कि इससे प्रजा की उत्पत्ति नहीं हो रही है तो उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया। अंडरस्टैंड। पहले डूब ही बना, उसी तरह के प्राणी बने, जो उसके अंगों को दे दीजिए तो फिर बढ़ जाएंगे। उसके बाद उसमें एक लिमिटेशन हो गया, वृद्धि नहीं हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि वो नर और मादा एक ही साथ दिए। ये एकदम बिल्कुल सत्य साइंटिफिक है। ब्रह्मा जी ने स्वयं, भगवान स्वयं अपने शरीर को दो भागों में किया, नर और नारी में बांट दिया, वाम जो उनका है हमारे पास, देखिए इसमें से हम दो बन सकते हैं, वैसे तो वो पहले हुआ, फिर उसके बाद वो मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। हम लोग जो सृष्टि करते हैं वो मैथुनी सृष्टि है, मेमेलिया क्लास जितने हैं ना, स्तनधारी मोस्ट सब एकदम, रेप्टिलिया क्लास के जो हैं सांप बिच्छू, ये सब जो है वो भी हमारे ही तरह, वो ऐसा है, हम लोग भी हैं, पशु पक्षी पंछी जो है उनमें भी है, कुछ कीट पतंग भी हैं इसी कैटेगरी में है, एम्फीबिया क्लास के जो है मेढक वो सब भी हैं, सभी हैं, ये सभी मैत्री सृष्टि के हैं।
इसीलिए जरूरी है कि पुंसवन ये सृष्टि से पहले पुंसवन संस्कार जो है वो जरूरी है और उसमें मुहूर्त की बहुत जरूरी है। मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा। हाँ तो सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्ति असम भवन्ति आह तस्माम ब्रह्म महत् योनिहि अहम बीज प्रदः पिता महद। मैं इस संसार में बीज रूप से हूं और ये प्रकृति जो है वो मेरी प्रकृति जो है सो मेरी योनि है। जी हां मैं उस योनि में बीज को प्रदान करता हूं और उससे यह सारी सृष्टि जितने मूर्ति आप देखते हैं उसको मैं ही उत्पन्न करता हूं। यही इसका तात्पर्य है कि भगवान ने जो पहले किया उसी के फलाफल उसी का प्रोडक्ट हम लोग हैं। हम लोग कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। आजकल के लड़के समझते हैं कि मैं कर रहा हूं, नहीं तुम नहीं कुछ कर रहे हो। तुम्हारे अंदर में जो वो हैं राम कृष्ण उनके ही आदेश के अधीन उनके नियम के अधीन तुम कर रहे हो लेकिन करते रहे हो लेकिन जानकारी पूरा नहीं रखते हो। यही कमी है। ठीक है करो लेकिन शास्त्र को पढ़ो जानो उसके नियमों के अधीन करोगे तो अच्छा रहेगा। चलिए भाइयों फिर मैं अगले एपिसोड में इसी में बताऊंगा कि यह कैसे होता है। तो जो विज्ञान के छात्र हैं मेडिकल के जो हैं वो तो जानते हैं कि औरत के शरीर में निर्धारित मात्रा है, निर्धारित संख्या में है कि इतने इनके लाइफ में ओभम रहेंगे अंडे बनने जिसमें जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो। अंडे की संख्या निमित है क्योंकि महीने में एक आते हैं वो, साल में 12 हुए और 14 वर्ष से लेकर 40 तक लिमिट है तो ये लगभग 26 वर्ष हुए। 26 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से, बस लगभग किसी को 10 20 50 बढ़ता हो इतने ही है। उसके बाद उनका काम खत्म है। एक स्त्री इससे ज्यादा समय तक बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकती है। और पुरुष में भगवान ने ऐसा किया है कि वो उनके स्पर्म में करोड़ों रहते हैं। वो स्पर्म की संख्या बहुत ज्यादा है और वो मैच्योर 18 से लेकर के किसी किसी को तो 80-85 वर्ष तक रहते हैं एक्टिव, लेकिन अधिकांश 60-65 के बाद उनकी संख्या घटती है क्योंकि शरीर की बनावट ऐसी ही है कि इसमें टेस्टोस्टेरोन बनते नहीं है। उनकी वो हॉर्मोन्स जो है ना सुसर भगवान की व्यवस्था इनका टेक्नोलॉजी के बराबर कोई नहीं अभी तक बनाया है। वो सब कुछ इसमें फीड किए हुए हैं। ये 50-60 के बाद वो टेस्टोस्टेरोन जो है शरीर में हार्मोन्स का बनना कम हो जाता है धीरे धीरे स्वयं। इसको बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। तो होते हैं बनते हैं लेकिन कम। तो यही बात है कि इस संस्कार के लिए बच्चे को पैदा करने के लिए मुहूर्त समय को लिया जाए और आपको हम इस वीडियो पर दिखाएंगे कि कैसे स्पर्म सो ओभम से समागम दोनों में होता है। वो दोनों फ्यूजन करते हैं
मंथली कोर्स जो एमसी कहते हैं आप, रजस्वला, उसके बाद वहां अंडा आ जाते हैं और वेट करते हैं। पुरुष के द्वारा दिए गए वीर्य में जो शुक्राणु होते हैं उनसे उनका फ्यूजन होता है। जितने सशक्त रहेंगे शुक्राणु बोनाफाइट, उतने जल्दी वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जो कमजोर होते हैं तो नहीं होता है, दोष दोनों में होता है। कभी कभी अंडे ने बनते हैं तो इधर कभी काउंट ऑफ स्पर्म जो है वह बहुत कम होता है, नहीं होता है, नहीं हो जाता है कई कारणों से, कई बीमारियों से। तो दोनों में ये फ्यूजन होता है। फ्यूजन होता है, देखिए सिस्टम भगवान का ऐसा है कि एक स्पर्म को जब ये ओवम सटेगा तो उसके चारों तरफ एक सेकेंड के कई में छोटे भाग में समय में उसके चारों तरफ एक नो एंट्री का पर्दा बन जाता है, दूसरा स्पर्म एंटर नहीं कर सकता है। जी हाँ, एकदम, पूछ लीजिए किसी मेडिकल डॉक्टर से, जो मेडिकल के छात्र हैं जो रिसर्च करते हैं उनसे पूछिए, बात सही है, दूसरा नहीं जाएगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इसी में जिनका मॉरलिटी जो है यानी शुक्राणु जो है वो कुछ घंटे तक जीवित रहेंगे तभी ना फर्टिलाइजेशन होगा। वो हम कहीं है शुक्राणु कहीं है, जाने में समय लगेगा, वो माइक्रो मिलीमीटर पर सेकेंड के तरफ से गति रहती है उधर। या तो उस तरह से जिनका शुक्राणु में वाइटल पावर रहता है, जो ब्रह्मचर्य को करते हैं, जिन पुरुष के दिनचर्ये ठीक रहते हैं, वो मद इत्यादि का पान नहीं करते हैं, व्यवस्थित जीवन में जीते हैं, पौष्टिक आहार लेते हैं, उनके शुक्राणु जो हैं सो पुष्ट होते हैं। इसीलिए उनका वीर्य, उनका जो शुक्राणु है, कभी ऐसा नहीं होता है कि वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता है, करता है। इसलिए वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आइए फिर हम अगले प्रवचन मिलते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, जय गोविंद, जय योगेश्वर, जय भारत, जय जनता।